आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ डाउनलोड ना तो क्वेश्चन इज तो क्वेश्चन हमारा असर्जन और रीजन पर बेस है असर्जन की बात करते हैं एड्स इज अ सिंड्रोम व्हिच रिजल्ट्स फ्रॉम इंफेक्शन थ्रू बैक्टीरिया Reason the AIDS is not transmitted through contact with saliva, breast milk and vaginal secretions of infected individuals. तो इन दोनों को देखना है और इनके अकॉर्डिंग हमें ऑप्शन को चूज करना है एड्स की बात करें तो एड्स स्टैंड्स फॉर एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम दिस मींस डेफिशिएंसी ऑफ इम्यून सिस्टम यहाँ पर जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो अफेक्ट होता है इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है तो ये एक वायरल इंफेक्शन है मतलब जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है वो एक वायरस होगा ना कि बैक्टीरिया इस डिजीज के लिए कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म वायरस होता है कौन सा वायरस है एचआईवी वायरस एचआईवी स्टैंड्स फॉर ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस और ये एक वायरस का एग्जाम्पल है मतलब जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक वायरस है तो एड्स वायरस जो ये वायरस है एचआईवी वायरस हैज बीन फाउंड इन यूरिन यूरिन के अंदर भी टीयर्स के अंदर भी इवन ये वायरस पाया जाता है सलाइवा ब्रेस्ट में तो ब्रेस्ट फीडिंग के द्वारा स्लाइवा के द्वारा सेक्सुअल इंटरकोर्स के द्वारा ये जो वायरस है वो इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन ये ट्रांसमिट हो सकता है वेजाइनल सीक्रेशंस के अंदर एंड सीमेन के अंदर भी ये जो वायरस है वो प्रेजेंट होता है तो सेक्सुअल इंटरकोर्स विद इन्फेक्टेड पार्टनर लीड्स टू एक्सपोजर टू वेजाइनल सीक्रेशन जिसके कारण ये जो डिजीज है वो ट्रांसमिट होती है तो यहाँ पर दिया गया है कि ये के द्वारा ट्रांसमिट नहीं होता है तो रीजन हमारा गलत है, है।, है, है।, तो है। यहाँ पर, पर भी दोनों सही है यहाँ पर एक सही दिया गया है जबकि स्टेटमेंट दोनों ही गलत है तो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा फोर्थ ऑप्शन क्लास सिक्स से लेकर नीट आई आई टी जेई मीन और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स कवर हो आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट आप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर